हमारे लिए आज की अंजील मुक़दस मुक़दस रुहाना रसुल की अंजील इसका 19 बाब 25 से चौतीस आयात मुक़दसा और इसके बाद यस्सु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी ताकि नविश्ता पूरा हो कहा मैं प्यासा हूँ वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन था उन्होंने एक अस्फंज सिरके में भिगोकर जुफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया पास यसु ने जब सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और उसने सर झुकाकर जान दे दी क्योंकि तहिया था यहूदियों ने पलातूस से अर्ज की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं। और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत को सलीब पर ना रहें क्योंकि सभ्भत का वो दिन ख़ास था इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ें मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फीएल फोर खून और पानी बह निकला और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ जी ये मुकदस के पढ़े और सुने जाने पर खुदांद की बरकत हो खुदांद का शुक्र हो मसीह खुदावंद में अज़ीज़ भाई और बहनों ईद पैंती कोस के मौका पर हमने ना सिर्फ़ अपने ईमान में तकवीत पाई बल्कि हमने इकलिसिया के जन्मदिन के बारे में भी सुना क्योंकि रुल का काम ही तख्लीक करना नया बनाना और ज़िंदगी देना है ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि हमें पाक करता और हमारी जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है रू जो अबरानी लफज रूआा से निकला है उसका मतलब ताकत क़त नया बनाना और कारी है पुराने नामे में रू सिर्फ ख़ास वक्तों और ख़ास अशास के लिए होता था जब खुदा का मनसूबा या मिशन पूरा हो जाता तो खुदा अपना रू वापस ले लेता था मिसाल के तौर पर जब शाउल बादशाह ने खुदा की नाफरमा बरदारी की तो खुदा का रू शाउल से जुदा हो गया और फिर दाऊद बादशाह में चला गया उसी तरह दाऊद के बनने के बाद सुलेमान और आने वाले बादशाहों में मुंतकिल होता रहा लेकिन नए अहदनामे में रू मुस्तकिल तौर पर हमारे बदनों में रहता है क्योंकि जब हम इसकाम का सामिट लेते हैं तो रुल हमें दिया जाता है इसलिए मुकदस पॉल रसूल अपने खत में कहते हैं कि जिस किसी में रुल कदस है वो इस बात का इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है अजीज़ों इसके साथ आज हम मुकस्सा मरियम जो क्लीसिया की माँ है उसका योम यादगार मनाते हैं ईद नजूल जो कि पाकमा क्लीसिया के, पाक के जन्मदिन के तौर पर जानी जाती है वो यसु के मिशन को लतूरिया बिलखसूस पाकलाम और यूखर से फैलाती है यसु रुल कद की कुदरत से पैदा हुआ और क्लिसिया भी रुल कद की कुत से अपने वजूद में आती है इन दोनों पैदाइश में एक हस्ती जो पूरी तरह से यसु और क्लिसिया के साथ मुंसलिक है वो मुकस्सा मरियम की है मुकस्सा मरियम को ये फजल और बरकत इसलिए मिली क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार थी उसने अपनी मर्जी पर खुदा की मर्जी को फोकियत दी क्योंकि वो जानती थी कि मेरी हाँ और वफादारी से लोगों को नजात दहिंदा मिलेगा जिस तरह आज की अनजीले मुक़दस में भी मुकस्सा मरियम अपने बेटे की सलीबी कुर्बानी तक उसके साथ रहती है और यसु भी अपनी कलिस अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ता बल्कि अपने शागिर्द के हवाले करता है वह अपनी माँ को तन्हाई और परेशानियों में नहीं छोड़ता बल्कि उसे एक मौसर हिफाजत में रखता है इस तरह जीजो यस्सु अपनी क्लीसिया को जो पाकमा क्लिसिया है कभी तनहा नहीं छोड़ता वो खुद रुल्क दुस के जरिए क्लीसिया की रहनुमाई करता है आए हम अपनी क्लीसिया को यस्सु के सपूर्द करें क्योंकि वही इसका निगबान और रखवाला है ताकि हम उसकी रहनमाई में चलते हुए अपने असली और हकीकी वतन यानी आसमान तक पहुँचें मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से आमीन